रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 11 महीने पूरे होने वाले हैं और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा दावा किया है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन जिंदा है या नहीं ये पक्का नहीं है। जेलेंस्की ने पुतिन के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए हैं। स्विट्जरलैंड के दाबोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते वक्त उन्होंने ये बात कही। रूस ने भी जेलेंस्की के इस दावे पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। यह सम्मेलन 22 जनवरी तक चलेगा। इसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के DGP IG लेवल के देश में करीब 350 सीनियर पुलिस अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का 3 दिन से जारी धरना देर रात 1 बजे खत्म हो गया। ये फैसला खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच 7 घंटे चली मीटिंग के बाद लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने बताया एक जांच समिति का गठन किया जाएगा, यह 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में तेजी दर्ज की जा रही है। नए केस 150 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 146 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 135 मरीज रिकवर हुए। इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 67,28,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 67,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगभग 2 हफ्तों की चुप्पी के बाद उनके निजी घर और ऑफिस में मिली खुफिया फाइलों के सवाल पर जवाब दिया है। बाइडेन ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि नवंबर में मिली फाइलों की जानकारी व्हाइट हाउस ने तुरंत सार्वजनिक नहीं की। बाइडेन ने अपनी सफाई में कहा, जैसे ही हमें पता चला कि कुछ फाइलें गलत जगह पर है, हमने उन्हें आर्काइव सेक्शन और जस्टिस डिपार्टमेंट को सौंप दिया। न्यूजीलैंड में जेसिंडा आर्डर्न के बाद लेबर पार्टी के सांसद क्रिप्स हिपकिंस नए प्रधानमंत्री बनेंगे। क्रिप्स हिपकिंस को साल 2020 में महामारी से निपटने के लिए कोविड मिनिस्टर बनाया गया था। उस दौरान क्रिस के काम की दुनिया भर में सराहना हुई थी। कोरोना महामारी के 3 साल में न्यूजीलैंड में केवल 2,427 मौतें दर्ज की गई हैं। अर्जेंटीना में सुबह 3:30 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.5 मापी गई। अभी तक इस भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को 1:30 बजे रायपुर में खेला जाएगा। भारत की नजरें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज जीतने पर होगी, जबकि कीवी टीम यहां मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल करना चाहेगी। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 242वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी।